Hello students, in the last video, we have solved some numericals on signal flow graph. In today's video, we will study how to convert any block diagram into signal flow graph. Okay, so for that, we will consider simple block diagram. Okay, input is RS and there is a forward path gain G, output is CS and there is a feedback gain H and we will consider negative feedback. ओके, सो दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम. अब हमें इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनपुट दिख रहा है आपका उसे हम आरएस से शो कर देंगे एक नोड के थ्रू. जो आपका एडर है उसे भी हम एक नोड के थ्रू इंडिकेट करेंगे. जो आपका गेन है वो आपका एरो के थ्रू इंडिकेट होगा. उसके बाद जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है वो भी आपका एक नोड के थ्रू इंडिकेट होगा. देन जो आपका आउटपुट सीएस है वो भी आपका एक नोड के थ्रू इंडिकेट हो जाएगा. ओके, नाउ आप देख सकते हैं टेक ऑफ पॉइंट से एक फीडबैक जा रहा है आपका, नेगेटिव फीडबैक एडर की तरफ, और उस फीडबैक की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस एच. ओके, सो ये इस तरह से आपका लूप जो है वो क्रिएट होगा. ओके, सो हमने यहां पर ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. सो फॉर ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है कि सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने होंगे. सो फॉरवर्ड पाथ यहां पर एक ही है आपका, फ्रॉम आरएस टू सीएस कितना है आपका, जी. ओके, उसके बाद हमें लूप्स कैलकुलेट करने होंगे. देयर इज अ सिंगल लूप, वैल्यू क्या है आपकी, माइनस जीएच. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, डेल इज वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स. सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो वन प्लस जी एच. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल के, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डेल वन. तो डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप्स गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. तो आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है उसमें आपका ये जो लूप है माइनस जी एच वो टच हो रहा है, तो उसे आपको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है. तो जो आपका डेल वन है वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा. So, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, P1 डेल 1 अपॉन डेल, कितना हो जाएगा आंसर, G अपॉन 1 प्लस GH. अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद हो कंट्रोल सिस्टम का, तो उसमें हम लोगों ने इसी ब्लॉक डायग्राम का, इसी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था फॉर द नेगेटिव फीडबैक, और हमारा आंसर आया था G अपॉन 1 प्लस GH. तो आंसर यहां पर भी हमारा G अपॉन 1 प्लस GH ही आया है. तो अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम में आपको इतनी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी. ठीक है, बट जब आप बड़े बड़े ब्लॉक डायग्राम कंसीडर करते हैं तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करना बहुत ईजी होता है. ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, सपोज करिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम मुझे गिवन है, दिस इज माई एडर. ओके, द गेन इज जी वन, देन अनदर एडर, then gain is G2, then again gain is G3, now next gain is G4, okay, and there is another adder, and finally the output is CS. okay, so ये बहुत बड़ा block diagram आपको already दिख रहा है. now यहां पर आपका G3 से G4 के बीच से एक line गई है जो कि feedback है, and feedback gain is H1. okay, this is a negative feedback. same आपका लास्ट एडर के बाद से एक लाइन गई है, अगेन फीडबैक है आपका ये, और फीडबैक गेन जो है आपका वो है H2. ओके, एंड ये आपकी फर्स्ट एडर पे गई है, अगेन नेगेटिव फीडबैक. ओके, नाउ आपका एक फॉरवर्ड पाथ गया है G2 और G3 के बीच से विथ गेन G5. ओके, और ये आपकी गई है लास्ट एडर पे विथ पॉजिटिव साइन. ओके, सो ये आपका इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम क्रिएट हुआ है. Now, अब हमें इस ब्लॉक डायग्राम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, दैट इज सी एस अपॉन आर एस. ओके, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ट्रांसफर फंक्शन वाया ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, और आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अब अगर इसकी जगह मैं इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेसन्स गेन्स फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा,
और कोई दूसरा रूल मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी. ओके, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ फर्स्ट नोड इज RS विच इज इनपुट नोड. सो हमने यहां पर एक नोड बना दिया इनपुट नोड के लिए. उसके बाद आपका एक और नोड है जो कि किसके करस्पॉन्डिंग है, आपका एडर के करस्पॉन्डिंग है. ओके, नाउ उसके बाद आपका गेन क्या है, G1 है. ओके, नाउ आपका उसके बाद एक और एडर है जिसको आप क्या कर देंगे, एक और नोड से रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके, और उस एडर के बाद आपका गेन क्या है, G2 है. तो आप यहां पर गेन शो कर दीजिए G2. ओके, नाउ G2 गेन के बाद आपका क्या है, एक टेक ऑफ पॉइंट है. तो टेक ऑफ पॉइंट को फिर से हम एक नोड से शो करना है. ठीक है, उसके बाद आपका गेन क्या है, G3 है. ओके, उस G3 के बाद फिर से आपका क्या है, एक टेक ऑफ पॉइंट है. ओके, सो टेक ऑफ पॉइंट को आप फिर से शो कर देंगे एक नोड से. उसके बाद आपका गेन क्या है, G4 है. ओके, और G4 के बाद आपका क्या है, एक एडर है. सो आप एडर को भी एक नोड से शो कर देंगे यहां पर. ओके, नाउ आफ्टर एडर आपका डायरेक्टली क्या है, CS है. तो आप CS को विद गेन 1 लिख सकते हैं यहां पर. जब कोई भी गेन रिप्रेजेंट ना हो तो यू कैन शो गेन 1. ओके, सो अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर लास्ट एडर से फर्स्ट एडर तक देयर इज अ फीडबैक विथ माइनस H2 गेन बिकॉज फीडबैक इज नेगेटिव. सो आप लोग गेन क्या शो करेंगे, माइनस. ओके, सो आप यहां पर शो कर सकते हैं लास्ट एडर टू फर्स्ट एडर. ओके, यहां पर सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या हो जाएगा, लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड. ओके, एक्सक्लूड द इनपुट एंड आउटपुट नोड. ओके, सो माइनस H2 गेन. नाउ आपका नेक्स्ट फीडबैक आपको कहां दिख रहा है, G3 और G4 के बीच में है. ओके, एंड माइनस H1 के थ्रू आपका एडर पे जा रहा है. ओके, सो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पर देख सकते हैं G3 एंड G4 के बीच से स्टार्ट होगा फीडबैक. गेन क्या है आपका, माइनस H1. ओके, और ये कहां पर एंड हो रहा है आपका, इस पॉइंट पर एंड हो जाएगा. ओके, सो ये भी हमारा फीडबैक यहां पर शो हो गया है. नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर आपका एक फॉरवर्ड पाथ है जो G2 और G3 के बीच से स्टार्ट हो रहा है, और गेन क्या है आपका, G5, और वो भी आपका लास्ट एडर पे एंड हो रहा है. ओके, सो हम क्या करेंगे, G2 और G3 के बीच से स्टार्ट करेंगे. ओके, और लास्ट एडर पे इसे एंड कर देंगे, और गेन आपका क्या है यहां पर, गेन है आपका G5. ओके, यहां पर सो आपका इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा सिग्नल फ्लो ग्राफ. नाउ अब इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन. सो फॉर ट्रांसफर फंक्शन वी नीड टू कैलकुलेट फॉरवर्ड पाथ गेन एंड फीडबैक गेन्स, और आप कह सकते हैं लूप गेन्स. ओके, सो अगर मैं फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने के लिए जाऊं यहां पर, सो फॉरवर्ड पाथ आपको फर्स्ट यहां पर डायरेक्टली दिख रहा है, G1, G2, G3, G4. सो P1 इज G1, G2, G3 एंड G4. नाउ क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है यहां पर, यस. अगर आप ध्यान से देखें G1, G2 एंड वाया G5, आप फिर से CS तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, G1, G2 एंड G5. सो दिस आर टू फॉरवर्ड पाथ्स. ओके, क्योंकि ये जो बिलो में जो आपकी टू लाइंस गिवन है, ये दोनों जो हैं वो फीडबैक पाथ को इंडिकेट कर रही हैं. ठीक है, तो यहां से कोई फॉरवर्ड पाथ आपका पॉसिबल नहीं होगा. नाउ अब अगर मैं लूप गेन्स की बात करूं, तो फर्स्ट लूप गेन क्या हो जाएगा आपका, आप यहां पर देखिए G2 G3 माइनस H1. ओके, सो ये हो जाएगा माइनस G2 G3 H1. क्या और कोई लूप पॉसिबल है यहां पर, यस. हम देख सकते हैं अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो G1 G2 G3 G4 एंड माइनस H2, तो कितना हो जाएगा, माइनस G1 G2 G3 G4 एंड H2. ओके, नाउ क्या और कोई लूप पॉसिबल होगा यहां पर, हम फिर से चेक कर लेते हैं. तो अगर आप देखिए, अब यहां से स्टार्ट करें अगर G1 G2 और अगर आप वाया G5 जाएं, ओके, देन माइनस H2 अगर आप बैक करें, तो फिर से आप यहां पर पहुंच जाएंगे, यस. तो एक और लूप पॉसिबल है आपका L3, कितना हो जाएगा, G1 G2 G5 एंड माइनस H2.
So minus G1, G2, G5 and H2. Okay? So यहां पर आपके 3 loops possible होंगे and 2 आपके forward path होंगे. Okay? Now, अब अगर हम यहां पर del की value लिख लें, तो del क्या हो जाएगा? 1 minus individual loop gains. Okay? Plus sum of products of 2 non-touching loop gains. तो क्या कोई भी दो loop आपके non-touching हैं इस figure में? तो हम check कर लेते हैं. अगर आप देखिए this loop, तो ये आपका touch कर रहा है G5 वाले loop से, तो ये आपका touching है. Okay? और अगर आप इस bigger loop को देखें, तो ये भी आपका सारे loops को touch कर रहा है. तो L1, L2, L3 all are touching. कोई भी दो non-touching loops आपके available नहीं है इस figure में. Okay? So del आपका इतना ही रह जाएगा सिर्फ 1 minus L1 minus L2 minus L3. Okay? Now, we have two forward paths. तो हमारे पास del 1 and del 2 भी available होंगे. So del 1 क्या है? Del 1 is same as del by excluding the loop gains which are touching the first forward path. So first forward path को कौन से loops touch कर रहे हैं? आप देख सकते हैं सारे loops touch करेंगे आपके. तो आपको L1, L2, L3 सबकी value क्या put कर देनी है? 0. Exclude कर देना है जो touch कर रहे हैं. तो answer क्या हो जाएगा? 1. Now, del 2 क्या हो जाएगा? By excluding the loop gains which are touching the second forward path. तो आप देखिए यहां से, second forward path को भी सारे के सारे loops आपके क्या करेंगे? Touch कर जाएंगे यहां पर. तो del 2 की value भी क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी. Okay? तो आपका जो transfer function है, वो क्या हो जाएगा? P1 del 1 plus P2 del 2 divided by del. Okay? So, इस simple process से आप यहाँ पर transfer function जो है अपना calculate कर सकते हैं. Clear a point? तो यहाँ पर basically अगर आप signal flow graph के through calculate करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 to 3 steps आने चाहिए. First is calculation of forward path gains. Second is calculation of loop gains and third is use of Mason's gains formula. Okay, so ये आपका बहुत ही simple approach हो जाएगी when you convert block diagram into signal flow graph. Okay, हम यहाँ पर एक और example consider करते हैं. Suppose करिए मुझे यहाँ पर एक block diagram given है with input RS, there is a adder. Okay, now gain is G1, there is another adder, now gain is G2. Okay. And the finally output is CS. Okay. Now there is a feedback with feedback gain H2. And this is negative feedback for the first adder. And again there is a feedback gain H1. And again the negative feedback for second adder. Okay. So this is my complete diagram. Ab mujhe is block diagram ko convert karna hai signal flow graph mein. Okay. So अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए जाऊं यहां पर, तो हमें फिर से वही पॉइंट करना है कि फर्स्ट आपका क्या होगा? नोड RS. ओके, देन एडर के लिए आप फिर से एक नोड जनरेट करेंगे, फिर गेन G1 को एरो के थ्रू शो करेंगे, देन अगेन एडर, फिर से एक नोड, देन गेन G2 एरो के थ्रू शो हो गया हमारा, देन आपका टेक ऑफ पॉइंट, फिर से डॉट एंड फाइनली आउटपुट CS. ओके, नाउ अब आप यहां पर देख सकते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट से आपका जो ये वाला एडर है, आप यहां पर देख सकते हैं फिगर में, फॉर दिस एडर देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक, गेन इज माइनस H2. ओके, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं माइनस H2. ओके, आप फिर से यहां पर देखिए, जो ये आपका फीडबैक स्टार्ट हो रहा है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वो एक्चुअल में पूरा का पूरा फर्स्ट एडर जो स्टार्टिंग एडर है वहां तक जा रहा है. बीच में आपने H2 गेन को इस एडर में प्रोवाइड किया है, इस एडर में फीडबैक अप्लाई किया है. एक्चुअल में ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट और एंड हो रहा है एट दिस पॉइंट. ओके, सो इस एडर के लिए जो गेन है वो तो माइनस H2 है, बट इस एडर के लिए जो गेन होगा वो होगा माइनस H1 × H2. ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए. ओके, सो यहां पर आपका एक और पाथ जनरेट होगा जो कि यहां तक जाएगा आपका, और गेन क्या होगा? माइनस H1 H2. ओके, सो नाउ अब आप सिंपली यहां पर नंबर ऑफ लूप्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप सिंपली CS अपॉन RS कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर फॉरवर्ड पाथ जो होगा वो सिर्फ सिंगल होगा आपका G1 G2. ओके,
एक ही फॉरवर्ड पाथ है फ्रॉम आर एस टू सी एस। नाउ अगर आप लूप गेन्स की बात करें तो एल वन क्या हो जाएगा आपका सिंपली माइनस जी टू एच टू, ठीक है। नाउ क्या कोई और लूप पॉसिबल होगा? यस yes, आप देखिए अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जी वन जी टू देन माइनस एच वन एच टू, ओके सो माइनस जी वन जी टू एच वन एच टू, तो यहां पर आपके दो लूप्स क्रिएट हो गए। क्या ये दोनों लूप आपके नॉन टचिंग है? नहीं, ये दोनों लूप्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो डेल क्या हो जाएगा सिंपली आपका डेल हो जाएगा वन माइनस एल वन माइनस एल टू, ओके। नाउ आफ्टर डेल व्हाट इज डेल वन? डेल वन सेम आपका, फिर से वही रिपीटेशन कर रहा हूं मैं, डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ओके। अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुने तो इस लाइन को मैंने लास्ट थ्री वीडियोस में कम से कम 10 टू 15 टाइम्स रिपीट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा और अगर इस कंसेप्ट में कोई डाउट हो डेल के वाले कंसेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट भी कर सकते हैं, ओके। सो यहां पर आप देखिए क्या कोई लूप फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, तो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को आपके सारे के सारे लूप्स टच कर रहे हैं, तो जो आपका डेल वन है वो क्या हो जाएगा सिंपली वन हो जाएगा, ओके। नाउ ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पी वन डेल वन अपॉन डेल, ओके। सो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया वाया सिग्नल फ्लो ग्राफ, ओके। सो ये वीडियो जो मैंने आपको समझाई है ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये बहुत यूजफुल है जब भी आपका क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में हो, तो आप उसे डायरेक्टली सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करिए और अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, ओके। थैंक यू।